वहीं टाउनशिप की समस्याओं को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत 30 मई को पैदल मार्च करते हुए टीए बिल्डिंग का घेराव करने रणनीति और रूपरेखा सेक्टर 1 पार्क में बैठक के दौरान हिंदू युवा मंच के पदाधिकारियों ने तय की है। हिंदू युवा मंच ने 14 मई को भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के नगर सेवाएं विभाग को टाउनशिप में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसका निराकरण ना होता देख अब 30 मई को पैदल मार्च कर नगर सेवा विभाग घेरने की तैयारी पुनः की जा रही है, जिसके लिए सेक्टर 1 पार्क में हिंदू युवा मंच की बैठक आयोजित की गई। हिंदू युवा मंच के संयोजक कृष्णा के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू युवा मंच के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और 30 मई को किए जाने वाले पैदल मार्च और टीए बिल्डिंग के घिराव करने की रूपरेखा और रणनीति यहां पर तैयार की गई। हिंदू युवा मंच ने अपने ज्ञापन में कहा था कि अगर जल्द समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप 30 मई को यह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन में पानी समस्या, सीवरेज लाइन, ठेले वालों को प्रताड़ित करना और अधिकारियों की मनमानी करना जैसी समस्याओं को शामिल किया गया था। भिलाई, जैसा आप सभी जानते हैं, मिनी इंडिया के नाम से मशहूर है। भिलाई में हिंदू मंच एक दर्जन मांगों को लेकर, जनहित के मुद्दे को लेकर नगर सेवा विभाग टीए बिल्डिंग में 14 तारीख को ज्ञापन दी थी, जिसका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। मुख्य प्रबंधक यूके झा साहब को हमने ज्ञापन दिया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनहित को लेकर हिंदू युवा मंच हल्ला बोल का कार्यक्रम 30 मई को सोमवार के दिन ठीक 11 बजे सिविक सेंटर से पैदल मार्च लेकर टीए बिल्डिंग तक घिराव करने के लिए जाएगी रैली की शक्ल में। आज हिंदू युवा मंच ने सेक्टर 1 पार्क में कार्य समिति बनाने के लिए, रूपरेखा कार्यक्रम की तय करने के लिए आज एक बैठक रखी गई थी, जिसमें घेराव के माध्यम से पूरे टाउनशिप में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, इसको पब्लिक से अवगत कराने के लिए, जनहित में कार्य करने के लिए ये घेराव का हल्ला बोल का आंदोलन रखा गया है। टाउनशिप में भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे नगर सेवा विभाग की अनदेखी करना ही मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसे लेकर हिंदू युवा मंच ने कमर कस तैयारियां कर ली है। इन समस्याओं से अवगत कराकर उसका निराकरण करना ही उनका उद्देश्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।